अजमेर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 17। सीएमएचओ केके सोनी ने की पुष्टि। अजमेर में लगातार हर दूसरे दिन पॉजिटिव मामले सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आज सुबह रेलवे म्यूजियम से 2 और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। वहीं शुक्रवार को रेलवे म्यूजियम से 8 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। अब कुल मिलाकर रेलवे म्यूजियम से करीब 11 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अजमेर जिले की बात करें तो पॉजिटिव मरीजों की संख्या कुल 17 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ केके सोनी ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। वहीं रेलवे म्यूजियम में 11 पॉजिटिव मरीजों का जेएलएन अस्पताल में इलाज जारी है और रेलवे म्यूजियम में रह रहे बाकी लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्वारंटाइन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार डोर टू डोर सर्वे करने का काम कर रही है। जी सर, अब कितनी संख्या है और कितनों की रिपोर्ट आई है? जो कल उदयपुर से जो सैंपल्स भेजे थे उनकी जो रिपोर्ट्स आई है उसके अंदर 10 जने पॉजिटिव हैं। उन 10 को हमने जेल एन आइसोलेशन के अंदर वो उपचारित हैं और अभी उनकी स्थिति स्टेबल है। अभी कितनों की रिपोर्ट आने बाकी है? नहीं, कल उनकी जो 165 सैंपल भेजे उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। अजमेर जिले में कितनी संख्या हो चुकी है? अब तक 17 पॉजिटिव है।